आज आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि 5 अगस्त को एक साल होने वाला है जब हमारी स्टेटहुड हमसे छीनी गई, अपनी पार्टी की ये मांग है कि इसे हमें इस दिन वापस दिया जाए, क्योंकि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो भी एक साल के लिए ही था और हमें हक है कि इस रियासत को अपना दर्जा वो वापस मिले जो हमारे पास सबसे पहले हिंदुस्तान में था। जहाँ तक पेंडेमिक कोविड का ताल्लुक है, मैं सराहना करना चाहूँगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इनिशियली अच्छे स्टेप्स लिए, लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर्स बने, लोगों को जिस हाल में उन क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जा रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है, उन्हें महसूस होता है हो रहा है कि जो ये पेशेंट्स बदकिस्मती के सामना जिनको हो रहा है वो शायद इंसान नहीं है। तो हमारी मांग है पार्टी की कि क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत ठीक की जाए, और मैं आवाम से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो भी प्रोटोकॉल है काइंडली फॉलो करिए, क्योंकि हम उस स्टेज में एंटर हो चुके हैं जहां हम देख रहे हैं हमारा नंबर भी बढ़ रहा है और हमारी डेथ रेट भी बढ़ रही है। लोगों के इश्यूज़ हैं, पेंडेमिक हो या ना हो, पेंडेमिक होते ज़्यादा इश्यूज़ हैं। जो दिहाड़ी का मज़दूर है, जो दिहाड़ी का दुकानदार है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या प्राइवेट अदारों में काम करने वाले हैं, पिछले 4 महीने से वो लोग भी बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि जम्मू कश्मीर सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है उनके लिए। क्या किसी को ये समझ नहीं है कि उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है? कोई भी ऐसा इकोनॉमिक पैकेज नहीं हमने देखा जो आम आदमी जो सफ़र कर रहा है, जो डेली वेजर है, जो हमारा रेडी वाला है, जो हमारे दुकानदार हैं, इवन हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इस रियासत की सबसे बड़ी आमदनी टूरिज़्म से होती थी, चाहे वो कटरा में हमारे यात्री जो आते थे उनसे होती थी, या चाहे वो कश्मीर में गुलमर्ग या पहलगाम या दूसरी जगहों को देखने के लिए जो सयाह आते थे। होटल बने पड़े हुए हैं, खाली हैं, इंटरेस्ट चल रहा है, मुलाजिम भी रखे हुए हैं। तो मेरी मांग है कि कम से कम जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इन लोगों के फिक्स्ड कॉस्ट को गवर्नमेंट 50% सब्सिडाइज करे, और जो बिजली दुकानदार को है या प्राइवेट स्कूल्स को है या इन होटलों को है, डेफर पेमेंट नहीं की जाए, पेमेंट वेव ऑफ की जाए। आम लोगों की जो हालत हमारी रियासत में है पहले से ही ख़राब थी, क्यों है? वी हैव एन अनरेस्पॉन्सिव ब्यूरोक्रेसी जिनका कोई भी ताना बाना आवाम के साथ नहीं है, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है। अफसर फ़ोन नहीं उठाते हैं, अफसर बात नहीं सुनते हैं, रोज़मर्रा की चाहे पानी की कहीं दिक्कत है, जम्मू में इस गर्मी में पावर कट्स जो हैं हमने कभी नहीं देखे ऐसे। इसी तरह बाकी जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं ना के बराबर हैं कि कोविड की आड़ में सब चीज़ को पीछे धकेला जा रहा है। 4G हमारे लिए अब मुझे लगता है ऐसी चीज़ बन गई है जैसे हम चांद सूरज ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हमारे बच्चे बाहर से आए, बाकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, बाकी कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, ऑनलाइन उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों को उससे भी महरूम किया गया। मेरी पुरजोर अपील है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, जो इस वक्त बराह रास्त हमारी सरकार को चला रहे हैं, कि सज़ा की एक इंतहा है, इस इंतहा को अब ख़त्म करिए। कम अज़ कम बच्चों को 4G दीजिए ताकि इनके कैरियर और ख़राब ना हो जाएं। जम्मू की आवाम चाहती है कि हमारी स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी आवाम चाहती है स्टेटहुड बहाल हो जाए, जम्मू के आवाम चाहती है कि हमारे लैंड्स की राइट्स हमारे पास ही रहें, जॉब्स हमारे पास रहें, यही कश्मीरी चाहते हैं। आज कोई विवाद इमोशनल नारा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से दोनों खित्तों के आवाम से गुजारिश है कि किसी के भी जज्बाती नारों में ना आइए, और जो साजिशी अनासिर आज भी कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं कि ये दो खित्ते आपस में लड़ें, मैं उनको भी कहता हूं कि आपकी साजिश अब कामयाब नहीं होगी। ये
आज 72 साल बाद का जम्मू कश्मीर है। आज की जो लोग यहाँ हैं, जो आज की यूथ यहाँ हैं, उन्हें मालूम है उन्हें क्या चाहिए। उनकी तरजीह इमोशनल नारे नहीं है, उनकी तरजीह डेवलपमेंट है, उनकी तरजीह है उनकी एजुकेशन, और उनकी तरजीह इस रियासत की तरक्की।